ਔਰ ਜਜਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਜਪੀ से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई तो वा ਕੋਤਰੀ ਕੇ बीजेपी के बी जेजेपी के, जे जे के बिठावांगा और इसी कोतरी बिठावांगे बीजेपी इन तो उसे जगह लेके जावांगे जिस जगह होया करते हरियाणा में जेपी दलाल दोबारा विधायक विधानसभा का दरवाजा नहीं देखेगा हरियाणा के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं है जो संगठनों को साथ लेके चले क्योंकि हर बार देखते हैं कि बाहर के नेता आते हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा हर को जो लूटने का काम करके चले जाते हैं नमस्कार दोस्तों मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपी न्यूज़ पर दोस्तों आप सबको याद होगा 13 महीने किसान आंदोलन चला था और तब से लेकर अब तक जो है किसान लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर अपने हकों की लड़ाई के लिए लगातार जो है आपको सड़कों पर दिखाई देते हैं वैसे तो हम बात करें हर वर्ग जो आपको रोडों पे या फिर धरनों पे ही दिखाई देगा तो आज एक बार फिर से जो है भारतीय किसान मजदूर यूनियन के पदाधिकारी जो है यहाँ पे पहुंचे उनसे चर्चा करेंगे मैं बता दूं आपको 26 से 28 तक चंडीगढ़ के अंदर फिर से जो है एक बड़ा प्रदर्शन और बड़ा धरना स्टार्ट होने जा रहा है उसी को लेकर मैम के अंदर पहुंचे हैं कोच साहब सबसे पहले जो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है बहुत धन्यवाद जी आपका जिस तरीके से मैंने अभी चर्चा की तेरह महीने तक किसान जो है आंदोलन चला था उसके बाद भी हम कहें कि सरकार के ऊपर कानों के ऊपर जो है कोई जू नहीं रहेगी क्या लगता है अब जिस चीज की तैयारी के लिए आप चल रहे हो क्या उसमें कामयाबी मिल पाएगी देखिए वैसे तो हम तेरह महीने की बात नहीं जिंदगी इसमें लिकड़ गई किसी भी सरकार ने किसान के केंद्र किसान को केंद्र में रख के नीति नहीं बनवाई बनाई आज तक सर्व उद्योगपतियों को केंद्र में रख करके नीति बनाई मगर जब से आठ नौ साल से मोदी सरकार आई है इसने तो बिल्कुल फांसी देना समझ लिया किसान को हमारे साथ ये तेरह महीने जिस आंदोलन की आप बात कर रहे इससे पहले हम आंदोलन लड़ते थे कि सी टू प्लस फिफ्टी के तहत स्वामीनाथन ने एक फार्मूला दिया था उसके तहत भाव तय हो और खरीद की गारंटियाँ कानून बने और किसान को कर्जे से उबारा जाए यानी हमारा सीधा सा कहा कर देगा स्वामीनाथन ने कहा रिपोर्ट लागू करो किसान को कर्ज मुक्त करो मगर अचानक हमारे साथ एक ऐसा व्यवहार सरकार ने कराया मोदी सरकार ने जैसे एक छोटी सी कहावत हरियाणा में दी जाती है एक बच्चा रो रहा था उसका पिताजी उसकी माँ से पूछने लग गया कि बच्चा क्यों रो रहा है उसके हाथ में एक रोटी का छोटा टुकड़ा था बोले टिंडी मांग टिंडी की घर में दूध होवे कौन था टिंडी होवे कौन ही थी उसकी माँ बोली टिंडी मांग है उसका बाप बोला रोटी और खोज ले उसकी माँ ने बच्चे की रोटी खोज ली बच्चा कहने लगा रो बा ज्यादा टिंडी दे दे टिंडी दे दे आखिरी में रो रहा रा हालात में मेरी रोटी दे दे हम मांगा थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट के तहत भाव सरकार ने भारी मंडिया ही तोड़न लागे जब मंडी रहेंगी तो नहीं रहेंगी तो भाव मिलना तो बहुत बड़ी बात है का, पे कहा बिकना हमने अचानक वो लड़ाई लड़नी पड़ी तेरह महीने तक आंदोलन चला और वो मंडिया हमने बचाई क्योंकि मंडी किसान को तोल और बोल की गारंटी देती है सर राम ने हमारे को ये एक बहुत बड़ा वरदान दे रखा है बहुत बड़ा गिफ्ट दे रखा है वो बचाई मगर और बहुत सी मांगों के ऊपर समझौता होता है एमएसपी की गारंटी के ऊपर हमारी मांग थी उस पर कमेटी बननी थी उस पर सरकार यू टर्न कर गई किसानों के ऊपर जो मुकदमे थे वो भी आज तक पेंडिंग खड़े हैं लखीमपुर के किसानों को आज तक न्याय नहीं मिला अजय मिश्रा टैनी आज तक केंद्र में मंत्री बना बैठा है हमारा उत्तर भारत के अंदर बहुत भयंकर बाढ़ आई एक पैसा तक किसी को नहीं दिया गया तो इस तरह की मांगों को लेकर के पूरे देश के अंदर छब्बीस ताइस से अट्ठाईस तारीख को हम दोबारा फिर उसी तरह का आंदोलन में जा रहे हैं जहां अपने अपने स्टेटों में जो राजस्थान के जयपुर में जाएंगे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जाएंगे उसी तरह हरियाणा के किसान और मजदूर की ड्यूटी पंचकुला में इकट्ठे होकर के चंडीगढ़ के ग्राव की है हम सेक्टर पांच पंचकुला में इकट्ठे होंगे और इन सभी मुद्दों को दोबारा से फिर सरकार से मांग करेंगे कि आप हमारी सुनिए हम इस देश के नागरिक हैं हम कोई दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं है ये इस देश का किसान कि एक वो वर्ग है जब कोरोना का काल था पूरा देश बर्बाद हो गया था किसान ने इसकी जीडीपी को बचाया था किसान ने ही खाने के लिए अन्न दिया था आप हमारे को इस तरह का व्यवहार मत करिए जिस तरह का व्यवहार आप कर रहे हैं जो आंदोलन अपना चला था तेरह महीने तक उसके अंदर जो मांग थी मेन मांग लास्ट में जो इसको जोड़ा गया था कि एमएसपी की मांग को भी पूरा करवा के ही उठेंगे टिके साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि दिल्ली से ट्रैक्टर तभी वापस जाएंगे जब हमारी मांग पूरी हो जाएगी ऐसा क्या रहा कि उस समय जो आप लोगों को इन मांगों को छोड़ते हुए उठना पड़ा और फिर से उन्हीं मांगों को लेकर जो है दोबारा फिर से ये धरने प्रदर्शन स्टार्ट आप लोग कर रहे हो आपको लगता है इतना लंबा आंदोलन जो काफिला वहां जुड़ा था फिर से जुड़ पाएगा देखिए वो कुछ फैसले हालात के मुताबिक लेने पड़ते हैं मैंने आपको पहले बताया कि हमारे इस आंदोलन से पहले स्वामीनाथन के एक, एक रिपोर्ट पर कर्जा मुक्ति पे लड़ते थे तेरह महीने तक आंदोलन चला सरकार ने आंदोलन ने वापसी की घोषणा कर दी हमारा इस आंदोलन में बड़ा हिस्सा पंजाब के संगठनों का था और पंजाब के अंदर एमएसपी की बजाय बड़ा इशू तीनों कानूनों का था अब संयुक्त मोर्चा में दो मत के संगठन हो गए एक मत हो गया कि हमने बगैर एमएसपी की गारंटी लिए हम यहां से उठेंगे नहीं और एक मत के हो गए कि हमें एम गारंटी के लिए दोबारा लड़ लेंगे अभी हमने उठ जाना चाहिए यानी कुछ संगठन पंजाब के इलेक्शन की वजह से भी प्रभावित थे तो उस वजह से हमारे एक फैसला हुआ कि अगर संगठन रहेगा तो हम आंदोलन दोबारा भी लड़ेंगे उस संयुक्त मोर्चा को हम कायम रखना चाहते थे इसलिए हमने एक मत बनाया चलो अब जो संगठन ये कहते थे कि हम एसपी के बगैर नहीं जाएंगे उन्होंने उन संगठनों की बात मान ली जो कहते थे अभी हमने आंदोलन को स्थगित कर देना चाहिए हम दोबारा लड़ेंगे यानी मोर्चा कायम रखने के लिए हालात के मुताबिक हमने ये फैसला लिया और अब सारा संयुक्त मोर्चा एक है अब हम दोबारा आंदोलन में संगठनों की आप बात कर रहे हो आपको नहीं लगता कि संगठन जिस तरीके से जो अलग अलग जो है बिखर से जाते जैसा आपने अभी जिक्र किया कि चुनाव लड़ने के लिए गुरु रामचंद्री जी को देखा गया उस हालात में वो छोड़ के गए थे चुनाव लड़ने के लिए जब किस, किसी ने जो ये उम्मीद भी नहीं की थी कि अब चुनाव लड़ने का सही समय है देखिए वो जो बात कह रहे हैं आप ये सही है कहीं न कहीं प्रभावित तो हो जाते हैं इलेक्शन का मौका आता है किसी साथी का इलेक्शन लड़ने का दिल करता है किसी का नहीं करता वो अलग चीज है मगर एक सच्चाई ये भी है कि ये देश बहुत बड़ा एक सौ सताईस तरह की परिस्थितियां इस देश में कहा अधिकता है कहीं सूखे में मर रहे हैं कहीं धान बीजी जाते हैं कहीं जांडी भी बचनी मुश्किल है अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग मांग होती है कहीं हम ए, मांग करते हैं कि सूखे से फसलें मर गई हमारे को सूखे कहीं फल कहीं मांगते हैं हमें फल्ड का दीजिए कहीं पहाड़ी क्षेत्र मसाला उगाया जाता है है उनके मसाले की मांग होती उगा सब्जियां उगाई है। जाती हैं उनकी सब्जियों की होती है कहीं फ्रूट उगाया जाता है उनकी फ्रूट की होती है और उसी तरह के संगठन है सब उसी तरह के सब अब संयुक्त मोर्चा कोई एक संगठन नहीं है ये अमरेला बोडी संगठनों का संगठन है पूरे देश के किसानों की इसमें संगठनों के ऊपर आधारित है चलो ठीक है एक आध भाई की ऐसी मार रही होगी मगर संयुक्त मोर्चे की का एक विचार ये रहा है कि हम मिल के लड़ेंगे अगर एक आध भाई का इस धारा इस डाल का विचार है ठीक है वो संयुक्त मोर्चा छोड़ के चला गया हमें क्या दिक्कत है लड़ ले भाई अगर संयुक्त मोर्चे का हमने संविधान बना रखा जिसमें नौ धाराएं हैं उस धारा में साफ तौर पर यह है कि संयुक्त मोर्चे का संगठन जो मुख्य पार्टी का चेहरा है वो तो आएगा नहीं इलेक्शन लड़ना बैन नहीं है मगर वो खुद संयुक्त मोर्चा का हिस्सा नहीं हो सकता पार्टी का कोई जैसे सीपीएम के लोग हमारे साथ बैठे हैं उनकी किसान सभा उनका एक पार्टी का वो है किसानों में काम करने वाली बींग है वो हमारे साथ बैठी है सी का खुद चेहरा इलेक्शन लड़ने वाला हमारे साथ नहीं बैठा इस तरह की बातें हैं इलेक्शन लड़ना हम कोई गलत भी नहीं मानते मगर चलते आंदोलन में ऐसा अगर कोई साथी करता तो जनता उसका अपने आप सोच ले आज कहाँ हैं वो साथी उन्होंने बहुत से सत्रह अठारह संगठन गए थे हमारे से बहुत, बहुत से बहुत से उन्होंने दोबारा गलती स्वीकार करके संयुक्त मोर्चा में आए हैं जो इसने गलती स्वीकार नहीं करी बाहर बैठे आज भी तो जिस तरीके से एक और बड़ा सवाल आम जनता की मैं बात करूं जो लोग कंधे से कंधा मिला के आप लोगों के साथ खड़े रहते हैं हर बार जब भी कोई आंदोलन होता बड़े जो है उछाल पे आता लेकिन जब आंदोलन ख़त्म होने के बाद जब बात उठती है हर बार एक ही बात उठती है क्या अपने अंदर हरियाणा के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं है जो संगठनों को साथ लेके चले क्योंकि हर बार देखते हैं कि बाहर के नेता आते हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा को जो लूटने का काम करके चले जाते हैं देखिए यो तो भाईचारा जाना भाई मान लो प्राणी कहावत है अपने समाज में घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध अच्छा लगता को भाईचारा तीस पैंतीस साल तक तो हम भी काम कर रहे हैं हमारे को ना तो कहते भाईचारे ने दुधकारया और ना गणा अपनाया हाँ हम तो वह उसे उसी तरीके से चल रहे हैं और इसमें संतुष्ट है भाईचारा जिस दिन लागेगा उस दिन ये भी बता देंगे कि वो बहुत ज्यादा काबिल लोग हैं इस हरियाणा में इस हरियाणा में ऐसा नहीं कि काबिल नहीं है काबिल है मगर चलो वो तो तो मर्जी होती है ये तो की है ये हम क्या कह सकते हैं इस बात एक और सवाल आपसे अंतिम सवाल रहेगा आप लोगों के ऊपर जिस तरीके से जो राजनीति की जब भी बात आती है अभी मैं सुन रहा था आपने एक बार फिर से बोला कि वोट की चोट जो है वो देनी पड़ेगी अगर सरकार नहीं मानती है इसी को लेकर जो आप लोगों के ऊपर आरोप भी लगते हैं। कहीं ना कहीं ये कुछ लोग हैं चुनिंदा लोग जो इस तरीके से जान पूछ के जो सरकार के खिलाफ जो है लगातार जो है आवाज उठाते रहते हैं मंत्रियों तो ने भी बयान दिया बयान दिया उसने भी भूखता एक जमाना था चौधरी बंसी ने कहा था मुठी भर लोग है एक्शन करवाया था हमारे ऊपर शहीद हुए थे किसान चौधरी बंशी लाल इस हरियाणा का तपया हुआ सबसे तपया हुआ था था। पार्टी तोड़ करके वापस कांग्रेस में आना पड़ा दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली एक जमाना था चौधरी भजन लाल ने कहा हरियाणा में मैं पी एच डी हूं हमने टेरिफ रेटों का मामला था हमने कहा आप गलत बढ़ा रहे हो बिजली के रेटा का मामला था निशिंग के अंदर कहा मुठी भर लोग हैं अब मैं गेट के ऊपर बैठ के अंदर सभा कर रहा था गेट पिछली दीवार दीवार तोड़ करके निकलना पड़ा था गेट से पार नहीं होने दिया था हमने दो किसान शहीद हुए मगर बंश चौधरी बजरलाल बोड़ा होगा मेरा कुर्सी नहीं पाई एक जमाना था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी कंडेला में हमारे साथ कहा था थोड़े से लोग हैं मैं कंडेला जाना छोड़ दूंगा दोबारा कुर्सी क्या मिली दो दो के बाद मेरे भाई हम थोड़े तो हैं मगर एक कोतरी ले रहे हमें जिसका मंडेरा में कोतरी बोलगी दोबारा वो मुख्यमंत्री कुर्सी के सपने ना देखे क्योंकि ये प्रदेश किसानों का है ये प्रदेश मजदूरों का है जो ये लोग ये भाषा बोल रहे हैं ना जेपी दलाल दोबारा विधायक विधानसभा का दरवाजा नहीं देखेगा उस समय कही थी बात अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि एक किसा, किसान किसान आंदोलन में एक बीमारी आई थी अजय सिंह चौटाला दारू पीपी सोगा सुपना में, में एमएलएमपी बनेगा दोबारा विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाऊंगा क्योंकि किसान गरीब है कुचला है वोट वाले बात जरूर याद करता है किसान अब तो जिन मांगों के लिए आप चंडीगढ़ पहुंच रहे हो वो मांगे नहीं मानी जाती तो क्या फिर से जो है बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा या फिर ये कोतरी जो है दोबारा जिस तरीके से आप लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो गांव में घुसना मुश्किल कर दिया था उन नेताओं का फिर से वो विरोध देखा जाएगा देखिए वो एक आंदोलन के दौरान हमने कहा था वे जब तक हम आंदोलन में हैं तब तक आप हमारे को डिस्टर्ब ना करो मगर वो गवर्नमेंट में थे इसलिए हमने रोका था हम, हम प्रजातंत्र के ऊपर बैन नहीं लाएंगे खोल ही देंगे उनको सूट मांगिए वोट जितना मांगना चाहो मांगिए मगर उसके बावजूद ये सच्चाई है अगर किसानों के मजदूरों की बात नहीं सुनी तो वह कोतरी के बीजेपी के जेजेपी के बिठावा और इसी कोत्री बिठावांगे बीजेपी तो उसी जगह लेके जावांगे जिस जगह होया कर दी हरियाणा में और जे, जे पी का नाम मिटा देंगे ऐसी क्या दुश्मनी गई गद्दारी सबसे बड़ी जेजेपी ने करी बीजेपी मनोहर लाल खट्टर कहीं न कहीं उस वो बो, वोट बैंक पे था जो खेती के नहीं करता जो मजदूरी नहीं करता मगर उनकी नीति भी स्पष्ट थी उनकी नीति स्पष्ट थी उन्होंने तो हेडग्वार ने लिख रखा है पहले ही उद्योगपतियों का नारे लगा करके किसानों, तो तो किसानों इसलिए सबसे ज्यादा दुखिया मुस्ता है, है। उसका तो ताला लावाड़ा बड़ा बड़ा ताड़ा बलारा साहब क्या कुछ तैयारियां है जिस तरीके चंडीगढ़ को लेकर जो प्रधान जी से बात की काफी जो है उत्साहित दिखाई दे रहे है देखिए कल छब्बीस नवंबर है और तीन दिन के लिए सभी साथियों ने सभी गांव में तैयारी पूरी कर ली है कुछ लोग निजी साधनों से कई गांव में बसें भी हुई हैं और कुछ लोग रेलगाड़ी से जा रहे हैं तो तीन दिन का पड़ाव है और संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान ये अगस्त के महीने में किया था और कोच साहब आज यहाँ मैम पद आ रहे हैं राठी साहब हमारी खाप के जनरल सेक्रेटरी हैं उमेद सिंह जी राठाड़ के पूर्व सरपंच हैं ये जिला के अध्यक्ष हैं तो सभी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और तीन दिन का पड़ाव चंडीगढ़ में ही होगा हम उन्होंने अपना स्थान निश्चित किया है सेक्टर पाँच पंचकूला तो सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और भारी लोगों में है और इसके बावजूद भी सरकार नहीं चेतती तो फिर तो एक ही रह जाएगा जो कोच साहब बता रहे थे वह कोतरी कहीं ना कहीं पे तो इन्हीं की मंडेर पर बैठानी पड़ेगी तो सरपंच साहब कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लगातार जो है हर गांव के ही अंदर आप लोग जो जाके जो है जनता का सहयोग ले रहे हो हम हर गांव में लोगों को जगाने के लिए गए जहाँ भी हमने कई इकट्ठे पंचायत से की पंचायत की है लोगों ने पूरा विश्वास दिला भरोसा दिलाया है कि मेरे मेरे गांव से इतने आदमी ज़रूर जाएंगे सब आप अपने साधनों से जाएंगे सब सब इन विश्वास दिलाया उन बैठकों में कि हम अपने लेवल पे अपने साधन लेके चाहे ट्रेन से जाए अपने ट्रैक्टर से जाए अपनी गाड़ी से जाए ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा लोग जो है पंचकुला पहुंचेंगे छब्बीस तारीख को तो साहब मैम में, में जो है प्रधान जी पहुंचे कि उम्मीद लेके गए कि बड़ा काफिला काफिला जो है यहाँ मैम से निकले कितनी तैयारियां जो है हो चुकी है पूरी तैयारी हो चुकी है मैम चौबीस ही खाप हर आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लेती है आपने पीछे भी देखा होगा शर्मा जी और अब भी उसी प्रकार से पूरी तैयारी है सर्दी का मौसम है बिस्तर पानी रोटी अपना खान पीन का सारा सामान लेके जैसा कि इन्होंने बताया बस से जाए रेल से जाए किसी साधन से जाए अपने साधन वह पूरे जोर शोर से पहुंचेंगे और वहां पर मैम चौबीस ही मैम चौबीस ही दिखाई देगी प्रधान जी कोई खास संदेश जो और लोग आपको देख रहे हैं मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना पूरे प्रदेश के किसान और मजदूरों से आप छब्बीस ताईस से अट्ठाईस तारीख को सेक्टर पांच पंचकूल्ला में जो पहुंच रहे हैं अपना कम्बड़ लेके आए अपना गद्दा लेके आए हो के तो हर गांव अपने गांव का खुद का ट्रैक्टर ट्रैली या पिकअप वगैरह जो डाला वगैरह सोने का जाब लेके आए तो बेहतर है क्योंकि हम बिल्कुल ओपन में जिस तरह सिंगू और टिकरी पे हम अपने साधन के साथ जा रहे थे उसी हिसाब से जाएंगे और मेरी ये भी प्रार्थना है कि कोई गांव अपना खुद का लंगर लेके जाए तो और भी बेहतर है ताकि हमें अगर कहीं रोका जाता तो हम दूसरे के ऊपर आश्रित ना हो तो अभी जो है ये मान के चले कि तीन दिन का पड़ाव अपना ये है ये सिर्फ बेहतर घंटे का पड़ाव है पहले से निश्चित है क्योंकि संयुक्त मोर्चा बड़ा संगठन है इसकी राष्ट्रीय राष्ट्रीय बॉडी के अंदर फैसले होते हैं इसको अचानक कोई तोड़ मरोड़ का कोई गुंजाइश नहीं होती क्योंकि कोई बंगोर में बैठा है कोई बम्बई में बैठा है कोई कलकत्ता में बैठा है कोई कहीं बैठा है तो अचानक कोई फैसले नहीं होते इसलिए सिर्फ बेहतर घंटे का ही पड़ाव है ये अट्ठाईस तारीख